एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास। कलानौर में एसआई की सड़क हादसे में मौत। रोहतक है कलानौर में शनिवार रात हादसे से ड्यूटी कर लौट रहे थानेदार की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वही रोहतक है ओल्ड ICDI पुल पर ओवरटेकिंग के वजह से ऐसा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है जबकि 2 गंभीर रूप में घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले दोनों बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक कलानौर में निवासी गौरव ने दी शिकायत के बताया गया है कि हर्षित दयानंद बीवी में क्लर्क है। उसके पिता राजवीर सिंह हादसे से SI के तौर पर तैनात है। शनिवार को इसका पिता ड्यूटी से वापस आ रहे थे, सवार होकर घर लौट रहे थे। बारांसा गांव में पास अज्ञात वाहन से कार की चपेट में आकर उनकी हत्या हो गई। बालम सॉन्ग में धूम मचाएगी सपना चौधरी। सपना चौधरी ने अपने अपकमिंग सॉन्ग की छोटी सी वीडियो क्लिप सामने साझा की है जिसका म्यूजिक और बाल सुनकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बालम सॉन्ग के सपना एक बार फिर से देसी अंदाज में दिखाई देने वाली है। वही इसमें उनका साथ ही देने वाली है माही गौरी। इस गाने को आथू ने और रुचित वा ने आवाज़ दी है जबकि इसके बोल भी उन्होंने लिखे हैं। अब सपना चौधरी ने गाने की झलक साझा करते हुए बताया है कि उसका गाना बलम 6 दिसंबर को YouTube पर रिलीज होने वाला है। और वही हरियाणवी क्वीन में पोस्ट साझा करते हुए मजेदार अंदाज में कैप्शन में लिखा है, जल्द ही देखने के लिए तैयार हो जाइए, बलम कितना है, कितना नेक है। यानी एक बार सपना चौधरी फिर से एक देसी अंदाज में दिखने वाली है। दिलजीत दोसांझ ने सरकार को ठहराया सिद्धू मूसेवाला के हत्या का जिम्मेदार। एक इंटरव्यू में दौरान दिलजीत दोसांझ ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता के बारे में बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि यह अपने बेटे के मौत का दर्द में है। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया है और दिलजीत ने मूसेवाला और दीपू मूसेवाला के बारे में बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि इन सभी ने अपने जीवन को कड़ी मेहनत की है। मुझे नहीं लगता है कि वह कलाकार किसी का कुछ गलत कर सकता है, मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ। इसके लिए वह किसी के बीच भी कुछ नहीं कर सकता है, इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस पर दुख के लिए जताता हूँ कि इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कठिन से। आप सोचे कि अगर किसी का एक बेटा हो और उसके साथ ऐसा कुछ हो तो उनके माता पिता को कैसा लगेगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 100% मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।